मौसम इतना जबरदस्त बन गया ना माशाल्लाह। पीछे आम की पेटी देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है और ये छुप छुप के हमसे खाते हैं। तो अभी मैंने अंदर जाना है और चीजें देखनी है। इसके अलावा देखें यहाँ पे भी है फ्लावर, यहाँ पे इतनी खूबसूरत है फ्लावर भी और प्लांट भी। चाची हमारे लिए दूध बना के लेकर आई है। ये हानिया कुछ ना कुछ करती रहती है इस पॉट के साथ। देखिए यहाँ पे क्या हाल हुआ पड़ा, सारी भट्टी मिट्टी है और पता नहीं ये कहाँ से इसने फ्लावर लेके इसमें लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज के व्लॉग में वेलकम है सबका। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। फिलहाल तो मैंने बना लिया दोपहर का खाना। अभी हम बना रहे हैं खाना और खाने में फिलहाल तो आप सबको यहाँ पर मटन ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मटन की हो रही है भुनाई और यहाँ पर बाकी की चीजें तैयार हैं। मटर भी जाएंगे और यहाँ पर देखें गोभी है, यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है। जो मेरा फेवरेट होता है ना उसमें बस मैं चम्मच मारती हूँ, और जो मेरा नहीं होता उसमें मैं कभी नहीं चम्मच मारती क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता ना हानिया को खाना। इसकी जो भुनाई है वो अलग से हो रही है। तो यहाँ पर हमारा मटन है पहले से तैयार। तो ये देखिए हमारा मजेदार सालन यहाँ पर बनकर हो गया है तैयार। आटा मैंने गून के रख दिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा निकाल लिया। तो रोटी बनाना शुरू करते हैं। हानिया को भी बड़े जोरों की भूख लगी हुई है और हस्बैंड भी आ गए हैं। तो खाना बन गया है, सालन भी रेडी है और रोटी भी बन गई है। तो बस जल्दी जल्दी से अब देते हैं इनको खाना। जल्दी भूख लग रही है, आने से पहले ही बन ठंड के बैठ गई। ये पकड़े, ये पकड़े। हर खाने में इन्होंने देसी घी डालना होता है। इससे क्या मिलता है वैसे देसी घी से, शक्ति बताएं तो सही। टेस्ट अच्छा आता है वो। पहले ना मैं जब छोटी थी तब देखती थी जैसे नाना अब्बू हो गए, वहाँ पे मेरे मामू थे, तो वैसे हर खाने में उन्होंने देसी घी डालना डालना होता है। तो इन्होंने भी यही काम किया होगा। ये पकड़े, मैं देसी घी नहीं उठाती ना। नहीं, ये सिर्फ आपके पापा खाते हैं बस। नहीं, ये खा रहे हैं मजे से खाना और मैंने ले लिया अपने लिए पानी क्योंकि मुझे पानी की बहुत प्यास लग रही है। अपने हाथ से खाना, अपने हाथ से खाना। मम्मा खिलाए आपको? हाँ नहीं, गर्म नहीं है, गर्म ही है, ठंडा हो गया। चलो बिस्मिल्लाह, मजा आए। चलो मम्मा को थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है, कोई नहीं खाएगा आपका, कोई नहीं खाएगा। जी 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 मम्मा, ये लो। नहीं मैंने कहा मुझे नहीं पहनना ये वाली, पहले ये लेकर आ गई, ये लेकर आ गई। दोनों अजीब सी मुझे लग रही है। और ये अपनी ली तो आपने थी ना, तब अजीब नहीं लगी थी? पता नहीं, बस अपने अब दिल ही नहीं करता। ये वाली अब जरूरी पहन के जाना। ठीक है, मौसम इतना जबरदस्त बन गया ना माशाल्लाह, मेरी तो आवाज नहीं ठीक से निकल रही। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके साथ मैं अच्छे तरीके से बात करूँ। तेज हवा चल रही है, हवा के साथ साथ मिट्टी जो आंखों में आ रही थी ना। क्या रखे हुए? आम रखे हुए। पीछे आम की पेटी देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है और ये छुप छुप के हमसे खाते हैं। जो आता है वो ले आता है इनके लिए। अभी हम सब ने ना इनकी आम की चोरी पकड़ ली है, जो इन्होंने पीछे आम छुपा के रखे हुए हैं। ये वापसी पे बाकी हमने घर लेकर जाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफी बेहतर रह गई पहले से। और अभी हम जा रहे हैं एक प्रमोशन के लिए, एक शॉप की प्रमोशन के लिए, वहाँ पर जा रहे हैं। आंखें मैं कब से मसल रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में ना मट्टी चली गई थी। पहले बताओ जाना कहाँ है? जाना हमने मस्जिद जुमा के पास है। मस्जिद जुमा के सामने एक सईद मॉल था ना, अल सईद मॉल, वहाँ से हमने दो तीन बार शॉपिंग भी की थी। उस जगह पे हमने जाना है। जिस लोकेशन पे हमने पहुंचना था वहाँ पर हम आ गए हैं। और मेरे सामने देखें ये मार्केट है बारिक अल शामी कंपनी, इसकी ओपनिंग होने वाली है कुछ दिनों तक। इस मार्केट की जो लोकेशन है वो मस्जिद जुमा के बिल्कुल सामने। देखिए मस्जिद जुमा जो है वो रोड की दूसरी साइड है और हम इस साइड पे हैं। और सामने यहाँ पर देखें ये वाली मार्केट है। अभी मैंने अंदर जाना है और चीजें देखनी है कि कैसी चीजें। चलिए अभी हम इंटर हो गए हैं और काफी सारी चीजें हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कौन कौन सी दिखाऊँ, इतनी बड़ी मार्केट है माशाल्लाह। पहले पहले तो मैं कह रही हूँ कि इस साइड पे मैं जाती हूँ, यहाँ से मैं देखती हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ। और साथ साथ इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आप सबके साथ मेंशन करती जाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, कुछ लेते हैं, हम सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल टिप है। क्योंकि जब हमें पता होता है, जब हम किसी मार्केट जाते हैं हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ इतने की है, तो फिर हम अपना बजट बना लेते हैं। तो खैर यहाँ पर देखें मेरे सामने इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी कैटल है यहाँ पर छोटी छोटी, इनकी क्या प्राइस है यहाँ पे? ये कैटल जो है ये है तकरीबन 11 रियाल और 50 हलाले की, यानी तकरीबन 12 रियाल में ये आपको पड़ेगी। लेकिन बहुत खूबसूरत है, ये देखें काफ़ी सारे डिज़ाइन है यहाँ पर। इसके अलावा देखें यहाँ पे भी है, मुझे तो ये वाली बहुत पसंद है। अक्सर मैं जो भी चीज़ लेती हूँ ना मैं कहती हूँ कि ये वुड वाले के ढक्कन होते हैं ना तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पर काफ़ी किस्म की हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें काफ़ी सारे बैग्स भी हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे बैग्स हैं। ये देखें ये जो है आप इसमें चाय रख सकते हैं, यहाँ बकायदा इनके ऊपर लिखा हुआ है शाही गहवा।
उसके आगे जो है काफी सारे प्यारे बैग हैं इस साइड पे भी, और ये वाले जो बैग है ना ये भी आपको मिलेंगे 11.5 रियाल में। देखें कितने प्यारे कलर हैं। अच्छा, यहाँ के जो ऑनर है ना उन्होंने मुझे अभी बताया कि यहाँ पे उन्होंने जो कपड़े ऑर्डर किए हैं चेन जो ऑनलाइन ऐप है और वहाँ से हम ऑर्डर करते हैं, सच में हमें वहाँ से महंगे पड़ जाते हैं। और देखिये यहाँ पे 11.5 रियाल में आपको शर्ट्स मिल रही है, और मैं सोच रही हूँ की यहाँ पे आके ना मैं अपने बेटे के लिए यहाँ से ले जाऊँ मुस्तफा के लिए। काफी अच्छी वरायटी लग रही है, ये देखे काफी अच्छे लग रहे हैं 11.5 रियाल में। और ऐप में सच में ऐप में 11.5 रियाल की आपको ऐसी नहीं मिलती, काफी वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मिल भी जाएगी तो वहाँ पे आपको 20 रियाल की मिलेगी, 25 रियाल की मिलेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करती हूँ मैं कल आके ले जाती हूँ यहाँ से। कैप यहाँ पे इतनी खूबसूरत है और माशाल्लाह काफी सारी वरायटीज है इनकी, ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये भी 11.5 रियाल में नहीं, ये 11.5 रियाल में नहीं है, ये देखिये ये 5.5 रियाल में। फ्लावर यहाँ पे इतनी खूबसूरत है, फ्लावर भी और प्लांट भी, मेरा दिल करे कि मैं अपने घर के लिए यहाँ से ले जाऊँ, लेकिन सच में क्या है कि अभी तक इसकी ओपनिंग नहीं हुई, बस जैसे कि हमें प्रमोशन के लिए बुलाया गया। ये देखिए इतना खूबसूरत प्लांट है, ये आपको मिल रहा है 11.5 रियाल में। और फ्लावर यहाँ पे देख सकते हैं कोई जो है ना आपको मिल रहा है 5.75 रियाल हलाला में, और कोई मिल रहा है आपको 11.5 रियाल में। ये वाली जो चीजें है ना ये हमेशा मैं शैन पे देखती थी, ऑनलाइन मैं वहाँ से ऑर्डर करूंगी। ये देखिए अब वही चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। और यहाँ पर इनकी प्राइस क्या है, वहाँ पर इनकी प्राइस है 5.75 रियाल हलाला देखिए, और वहाँ पे ये प्राइस नहीं थी इनकी, वहाँ पे तकरीबन 12 रियाल 15 रियाल ऐसे मिल रहे थे। काम हुआ है यहाँ पर खत्म और वीडियो हमारी बन चुकी है, तो बस अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं, जाते हैं घर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अभी हम आ गए हैं बाहर और हवा इतनी मजे की चल रही है। हमारे घर के साथ तो इतनी मट्टी इतनी रेत उड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है। मेरा गला कभी कभी ठीक हो जाता है बात करते करते, और फिर कभी खराब हो जाता है एकदम से। तो बस हस्बैंड भी अभी आ गए हैं, अभी हम आ गए हैं चाची के घर। चाची कब से हमारे घर नहीं है और मैं भी कब से चाची के घर नहीं, सच में मैं बहुत मिस कर रही थी उनको। एक तो मेरी तबीयत खराब थी इतने टाइम से, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है हमारे घर में, एक की तबीयत ठीक होती है तो दूसरे की खराब हो जाती है, ऐसे ही चल रहा है। और मेरी कुछ टाइम पहले ठीक हो गई थी, फिर से खराब हो गई। अभी हम पहुँच गए इनके दरवाजे पे और ये दरवाजा नॉक कर रहे हैं, बस अभी जाएंगे। साथ साथ ये देखें खा भी रहे खजूरे, अभी चाची को पता चला ना कि मेरी जो खजूरें मुझे देने हैं वहीं से आप खा भी रहे हैं। मैं बैठी हूँ यहाँ पे और ये बैठी है वहाँ पे, चाची हमसे मिलके चली गई है, चाची पानी लेकर आ गई है हमारे लिए। पानी हमने पी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ना ये मुझे खजूरें दे रहे हैं, दिखाएं खजूरें दी है मुझे और मुझे कह रहे हैं ये खाओ भी सही और दिखाओ भी सही और मेरी खजूरों की प्रमोशन भी करो। हमारे बाग की खजूरें कितनी अच्छी है और इनका दाना देखे कैसा है। मैं नहीं करी ये जबरदस्ती मुझसे ना इन खजूरों की प्रमोशन करवा रहे हैं, ठीक है बस हो गई, सही है हो गई है, अब कल से इंशाल्लाह आपको कॉल्स पे कॉल्स होंगी, सही है। चाची हमारे लिए दूध बना के लेकर आए, ये पकड़ो तमन्ना। हस्बैंड अपना लेकर चले गए, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया तो वो बस बोतल में डाल के लेकर चले गए, बस मैं और तमन्ना ही पी रहे हैं अभी। हमारे पीछे पीछे देखे मला को भी आ गई है कि मम्मा चली गई मुझे छोड़ के, आ जाओ आपके पापा आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मला को मम्मा को दे दो पानी, पानी दे दो मम्मा को, पानी दे दो अब्बू को, दे दो पानी अब्बू को। मला को हमारी दस्तरखान लगा रही है, मलाक मलाक, अरे वाह माशाल्लाह। मलाक जब से आई है ना चाची के घर, बस आज चाची का होम टूर दे रही है मलाक को, है ना। अब कहाँ जा रही हो आप, कहाँ जा रही हो? चलो दादू बुला रहे हैं आपको, चलो बाय कर दो, बाय बाय करो दादी को, बाय बाय करो। अभी हम जा रहे हैं घर और अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर हम यहाँ पर बैठे हैं चाची के घर पे, चाची ने खाना बनाया है, बहुत मजे का बना हुआ था खाना खाया है हमने, और काफी सारा टाइम आज हमने गुजारा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए थे हम चाची से नहीं मिले थे ना चाची हमसे मिले थे। अभी हम पहुँच गए अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह, काफी देर से हम घर से बाहर निकले हुए थे, वैसे चाची के घर हमारा बैठने का इतना इरादा था नहीं, लेकिन बस हम वहाँ पर गए तो बस चाची ने फिर बिठा लिया कि इतने दिनों से हम मिले नहीं, इतने दिनों से आप लोग आए नहीं हो, आपको चलें आ जाओ। बाय मलाक, बाय मलाको, गर्मी है पसीना आ रहा है मलाक को।